तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपकी प्यारी पूजा। अभी मैं ऑफिस से आई थी, आप लोग देख सकते हैं मेरे स्किन पे काफ़ी डलनेस नज़र आ रही है। तो इस डलनेस को जो है वो मैं किस तरीके से फ्रेशनेस में बदल सकती हूँ कुछ प्रोडक्ट्स के साथ में। देखिए, पूरा दिन जब हम काम करते हैं या ऑफिस या घर से बाहर आते जाते हैं तो फेस जो होता है उस पर काफ़ी सारी धूल मिट्टी, काफ़ी सारा पॉल्यूशन सब कुछ लग जाता है। तो इससे खूबसूरत बनाने के लिए आपको कुछ सिंपल टिप्स मैं बताने जा रही हूँ। उस टिप्स की सहायता से आपकी स्किन बहुत अच्छी हो सकती है, काफ़ी हेल्दी हो सकती है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है ये मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो सेम वही मेरा प्रोडक्ट विटामिन सी, आई लव दैट, क्योंकि विटामिन सी जो होता है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपने इस प्रोडक्ट को लेना है इस तरीके से, विटामिन सी, इसको ये देखिए। अब इसको फोल्ड करना है, किस तरीके से फोल्ड करेंगे ये भी आप लोग देख लीजिए। वन फोल्ड एंड सेकंड फोल्ड, इस तरीके से। उसके बाद आपने अपने पूरे फेस को इससे जो है वो क्लीन करना है, ताकि जितना भी आपकी स्किन के ऊपर जो डस्टिंग है, जो भी पूरे दिन का पॉल्यूशन है, वो सब कुछ आपकी स्किन से बाहर हो जाए। तो आपने इसको जो है वो क्लीन कर लेना है बहुत अच्छे से, जैसे कि मैं कर रही हूँ। और स्मूथली करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है आपने, और स्मूथली। अब उसके बाद ये देखिए, काफ़ी सारा डस्ट जो है वो हैपनिंग पे आ चुका है। अब इसके बाद मैं सेकंड जो यूज़ करने जा रही हूँ प्रोडक्ट, वो मेरा है स्क्रबिंग। तो ये स्क्रबिंग मैं यूज़ करती हूँ जिससे कि जो मेरे जो स्पॉट्स हैं, जो स्किन के अंदर जो मेरी डेड स्किन्स हैं, वो निकल के स्पॉट्स खुल जाएंगे। गर्मियों में काफ़ी स्वेटिंग होता है तो ये जो हमारे स्किन के जो स्पॉट्स होते हैं छोटे छोटे फेस के ऊपर, ये ब्लॉक हो जाते हैं। तो इनको खोलने के लिए क्या करना है, आप घर पर कर सकते हैं। ये मैं स्क्रब ले रही हूँ हाथ पे, देखिए इतना सा स्क्रब आपने लेना है और इसको इस तरीके से आपने हाथों पे मल लेना है। उसके बाद आपने अपने फोरहेड से इसको स्टार्ट करना है, नीचे से ऊपर की ओर इस तरीके से, देखिए। ऊपर से नीचे की ओर नहीं करना आपने, इस तरीके से करना है, नीचे से ऊपर की ओर। इस तरीके से नोज को भी करना है, लिप्स को इस तरीके से करना है, चीक्स को इस तरीके से करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद आपने इस तरीके से ऊपर को लेके जाना है। इस तरीके से करना, सिर्फ ये दो फिंगर्स के साथ में, ठीक है। पूरी फिंगर्स यूज नहीं करनी है अगर आप आईज के ऊपर कर रहे हैं, और आइस बहुत ध्यान से, उंगली आंखों में भी लग सकती है तो बहुत ही ध्यान से कीजिएगा, वरना आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है। तो आपने इसे जो है वो 20 से 25 बारी करना है। अब मेरी स्किन जो है वो उसके पॉज खुल चुके हैं, और उसके बाद मैं फिर से ये जो टिश्यू है इसको लेती हूँ और इससे अपनी स्किन को थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ। मेरी स्किन जो है वो क्लीन हो चुकी है, मैं आपको कैमरे के पास आके दिखाती हूँ। देखिए, आई होप आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे, ये देखिए हुआ ना मेरी स्किन क्लीन। अभी उसके बाद मैं जो नेक्स्ट स्टेप करूँगी वो आप देख लीजिए। ये मेरा एलोवेरा जेल है जो मैं यूज़ करती हूँ, ये पतंजलि का है। इसे मैं खोलूंगी और खोलने के बाद इसका
इस तरीके से, सिर्फ इतना इतना ही आपने लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। उसके बाद सेम इसको भी फेस पे लगाना है इस तरीके से। नोज़ पे, लिप्स पे, मेंस वुमेंस दोनों ये कर सकते हैं घर पर ही। आपकी स्किन काफी सुंदर हो जाएगी, नेचुरल ग्लो नजर आएगा आपकी स्किन के ऊपर। देखिए, अगर आपको यंग दिखना है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखना है, तो अपनी स्किन का ख्याल रखना ना भूलें, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग इतनी पॉल्यूशन वाली लाइफ में जीते हैं कि हम अपनी स्किन का ध्यान रखना भूल जाते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको यूज करना है। तो ये जो मैं स्टेप कर रही हूँ ना, ये आपने सेम स्टेप करनी है, इसी तरीके से कीजिएगा। उससे क्या होता है, आपकी स्किन भी क्लियर होगी और आपका फेस मसाज भी हो जाएगा। मेरे स्टेप फॉलो करते जाइए जैसे जैसे मैं कर रही हूँ। तो ये मेरा एलोवेरा जेल लग चुका है, मेरी स्किन बहुत अच्छी लग रही है, नेचुरल। मैंने अभी कोई भी मेकअप नहीं किया हुआ, ये मेरा नेचुरल वीडियो है और बिल्कुल नेचुरल तरीके से है। अब उसके बाद जो मेरा स्टेप आता है, वो आता है मेरा राइस फेस पैक। ये देखिए, ये मेरा राइस फेस पैक है और मैं अभी इसे लगाने वाली हूँ। इसे लगाने के बाद जो स्किन का ग्लो आएगा ना, ओ माय गॉड, माइंड ब्लोइंग। इसको मैं कट कर रही हूँ, आप लोगों के सामने ही कट कर रही हूँ। ये राइस पैक है, काफी वेट है, बहुत गीला है। अब इसे ओपन करते हैं, बहुत ज्यादा ही गीला है, ओह माय गॉड। तो फटे नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा ध्यान से खोल रही हूँ। तो ये राइस फेस मास्क है जो गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। मेरी जो स्किन जो ग्लो करती है वो इसी से करती है। तो अब मैं इसे अपने फेस पे लगा, इस तरीके से आपको इसको फेस पे लगाना है, चिपकाते जाइए इसे अपने फेस पे। इस तरीके से ये राइस फेस पैक है। इसे लगा के आपको कम से कम 10 मिनट रखना है। आप चाहें तो अपनी आंखों के ऊपर कुकुम्बर भी रख सकते हैं, उससे आपकी आंखों को भी काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडा ठंडा है ना, कूल कूल, वाह, ठंडा ठंडा कूल कूल। तो इस तरीके से आप लगाइए, उसके बाद आप कुछ भी म्यूज़िक सुन सकते हैं, कोई भी वीडियो देख सकते हैं, या कुछ भी जो भी आपका मन करे, क्योंकि 5 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो 5 मिनट आपको रखने के बाद मैं बताती हूँ कि आपको करना क्या है। अब ये हमारे 5 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसको उतारेंगे इस तरीके से, ऊपर से नीचे की तरफ उतार। आया ना मेरी स्किन पे ग्लो, दिखा आप लोगों को? ये देखिए कितना अच्छा ग्लो आया है,
राइस पैक लगाने से, राइस पैक लगाने से आपकी स्किन पे कभी भी झुर्रियाँ नहीं आएंगी, ट्रस्ट मी। आप लगाइए इसे, डेली यूज़ करेंगे, कभी झुर्रियाँ नहीं आएंगी। अब ये मेरा स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहा है, लेकिन अब मैं इसे क्लीन करूँगी थोड़ा सा, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट। तो कैमरे के पास आके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा स्किन ट्रीटमेंट जो मैं गर्मियों में यूज़ करती हूँ और अपनी स्किन को बहुत ही हेल्दी रखती हूँ। तो आप लोग भी मेरे ये टिप्स अपना के अपनी स्किन को गर्मियों में बहुत ज़्यादा हेल्दी रख सकते हैं, आपकी स्किन पे झुर्रियाँ कुछ भी नहीं आएंगी। तो आई होप आपको मेरा ये चैनल पसंद आया होगा। तो लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय।